गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नाउ अ क्वेश्चन विल बी रेज्ड इन योर माइंड. व्हाट आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? सो हियर द आंसर. क्वेश्चन सेंटेंसेस. When in any sentence any question is asked, then we will call that sentence an interrogative sentence. So, like, what is your name? In this sentence, your name is asked. So, this sentence is an interrogative sentence. I hope you understand. So, now learn more about interrogative sentences. Words to make interrogative sentences. What are the words we have to use to make interrogative sentences? वो कौन से वर्ड हैं जिनको यूज करके कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है या कोई क्वेश्चन सेंटेंस बनाया जाता है? Here some words are given. Some main words are given like what, where, when, who, why, which, how many and how much. When we will use what? What कब use करेंगे? जब एक sentence में any object, idea और action के बारे में बताया गया है. Where कब use करेंगे? When a place is asked. जब किसी place के बारे में पूछा गया है. When कब use करेंगे? जब time के बारे में पूछा गया है. Who किसी पर्सन के लिए, why किसी रीज़न के लिए, which पर्टिकुलर थिंग्स के लिए. पर्टिकुलर थिंग्स यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें से आपको किसी एक चीज़ को चुनना है. लाइक विच ड्रेस वुड यू लाइक टू बाय? कौन सी ड्रेस आप खरीदना पसंद करेंगे? हाउ कैसे? हाउ मैनी वर्ड विल बी यूज व्हेन थिंग्स आर काउंटेबल? जब चीज़ें ऐसी हैं जिनको इजीली गिना जा सकता है. लाइक हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पेन हैं? हाउ मच हम नॉन काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे. लाइक हाउ मच प्रोटीन इज देयर इन राइस? राइस में कितना प्रोटीन है? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम simple sentences. Here some simple sentences are given and now we are going to make interrogative sentences from these sentence. Hum in sentence se interrogative sentence banane ki koshish karte hain. Let's try. Our first sentence is he is playing cricket. Vah cricket khel raha hai. Isme action ke bare mein bataya gaya hai. So when there is action, which word we will use? Yes, right. We will use what? What is he playing? अब यह sentence कैसे बना? Action है तो सबसे पहले हमें what use कर लेना है. What के बाद हम use करते हैं helping verb. इस sentence में helping verb क्या था? Yes, जो subject के बाद है, he के बाद is. फिर हमें subject लिखना है. Subject क्या है? He. उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है, जो भी एक्शन हो रहा है. प्लेइंग, व्हाट इज ही प्लेइंग? वह क्या खेल रहा है? लेट्स ट्राई सेकंड सेंटेंस. ही विल प्ले इन इवनिंग. वह शाम को खेलेगा. तो इसमें टाइम बताया गया है, शाम, इवनिंग टाइम है. तो टाइम जब भी पूछा जाएगा तो हमें यूज करना है व्हेन. व्हेन के बाद हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है? सब्जेक्ट के बाद. सो लेट्स सी. व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट ही प्ले. व्हेन विल ही प्ले? वह कब खेलेगा? नाउ लेट्स ट्राई थर्ड सेंटेंस. श्रेया इज गोइंग मार्केट. श्रेया मार्केट जा रही है, यानी कि इसमें प्लेस के बारे में बताया गया है. तो when any question is asked about place, we will use
where. So let's see the interrogative sentence of this simple sentence. Where is Shreya going? Where के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? श्रेया. श्रेया क्या कर रही है? गोइंग, जा रही है. तो वेयर इज श्रेया गोइंग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज सेंटेंसेस. नाउ लर्न सम अदर सेंटेंसेस. दे लाइक मैंगो. शी ईट्स राइस. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. इन दीज सेंटेंसेस यू विल सी दैट no helping verb is given. So how we will make the interrogative sentences? In this kind of situation we have to use do or does. Do or does, like you can see in first sentence, they like mango. उन लोगों को mango पसंद है. जो they word है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है. जब भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा यानी प्लूरल चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में बताया जा रहा है तो हमको यूज़ करना है डू. तो लेट्स सी इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हाट डू दे लाइक. उनको क्या पसंद है? और इसका सिंपल सेंटेंस क्या था? दे लाइक मैंगो. उनको मैंगो पसंद है. तो इसका क्वेश्चन सेंटेंस हमने क्या बनाया? व्हाट डू दे लाइक. हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने डू यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया और फिर वर्ब यूज करी लाइक. बाकी सेम सेंटेंस उसी तरह रहेगा जैसे हमने लास्ट सेंटेंसेस बनाए हैं, बस यहाँ पर डू या फिर डज का यूज होगा. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. शी ईट्स राइस. वह राइस खाती है. तो शी हमेशा सिंगुलर लड़की के लिए यूज होने वाला है, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होने वाला है. तो यहाँ पर जब सिंगुलर चीज़ है, सिंगल कोई भी एक चीज़ है तो हमें यहाँ पर यूज करना है डज. शी ईट्स राइस. तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है? किसी चीज़ के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है. वह राइस खाती है तो हमें क्या वर्ड यूज करना है? वॉट. वॉट फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए डज, देन सब्जेक्ट शी, देन वर्ब ईट. व्हाट डज शी ईट. नाउ यू ट्राई नेक्स्ट सेंटेंस. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. ट्राई इट. यस, योर सेंटेंस इज करेक्ट. व्हेन डू यू वॉच टीवी? बट here I want to explain that whenever I is given in any simple sentence, then I will be changed into you. Here you can also see the last sentence. I watch TV in the evening and its interrogative sentence is when do you. I will be changed into you. When do you watch TV? And also don't forget to use question mark after every interrogative sentence. I hope you have learned how to make interrogative sentences. So here is your task. Your today's task is to make interrogative sentences from given sentences and write in your copy. Thank you.